पाकिस्तान के वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने बजट 2022-23 के इजलास में पाकिस्तान के छोटे माहिगीरों के लिए पोर्ट क्लियरेंस यानी पीसी शर्त कादर पटेल के खसूसी सिफारिश पर खत्म करने का ऐलान किया था। उसने इस क्या कहा था, इस वीडियो में सुनिए। मैं यहाँ पर ये बात भी बताता चलूं कि सिंध और बलूचिस्तान के छोटे माहिगीरों की आसानी के लिए पोर्ट क्लियरेंस यानी पीसी की शर्त खत्म की जाएगी। ये मेरे भाई अब्दुल कादर पटेल की खसूसी सिफारिश थी और मुझे खुशी है कि मैं अमल कर पाया हूँ। लगभग ये बताएं, पाकिस्तान के वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ने बजट इजलास में छोटे माहिगीरों के लिए पोर्ट क्लियरेंस पीसी शर्त खत्म की थी, क्या वो शर्त खत्म हुई है? नहीं, अभी तक तो वही चल रही है। हुकूमत तो ये सिर्फ अपने उस टाइम पे बोल देते हैं कि हाँ ये खत्म हो गया, ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, ये चीज़ खत्म होगी, लेकिन वो खत्म नहीं होती है। मैं पीसी आज भी निकाल के आया हूँ, दो दिन पहले निकाल के आया हूँ, वही फीस है, वही सिस्टम चल रहा है। इसकी क्या फीस है? 500 रुपये। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कादर पटेल के खुसूसी हिदायत पे ये ऐलान किया था? मैं वही कहना चाहूँगा कि आपने जब बिल पास किया था तो आपने यही मुबारकबाद दी थी कि पीसी का सिस्टम खत्म हो गया, माइग्रो को मुबारक दी थी, वो तो वही प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, कोई सिस्टम ऐसा खत्म नहीं हुआ। हुकूमत जून जुलाई के दो महीनों में इन माहिगीरों को कुछ देती तो नहीं, पर जो इस बजट 2022-23 के इजलास में ऐलान किया था मिफ्ताह इस्माइल साहब ने, हम कादर पटेल से गुजारिश करते हैं कि उस पर अमल करवाया जाए।